वेलकम टू वर्षाज ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सीबीएसई टेंथ का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड रियक्शन आज हम इसका लास्ट पार्ट आज जो वीडियो होगा, वीडियो होगा होगा इस चैप्टर का लास्ट जो रिलेटेड है एंड से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरे सारे वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन डेली लाइफ रेडॉक्स रियक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था आज हम देखेंगे इसके दो इफेक्ट्स आपको दो इफेक्ट्स जो आपके सिलेबस में है एक तो है कॉरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी तो हम वन बाय वन दो इफेक्ट्स पढ़ेंगे और डेली लाइफ में ये हमें क्या इफेक्ट डालते हैं हम इसके बारे में देखेंगे जो हम फर्स्ट हम देख रहे हैं कोरोजन जनरली आप देखते हैं कि करोजन जो हमेशा होता है मेटल्स के अंदर जब मेटल्स के आर्टिकल्स हम बाहर एटमोस में एक्सपोज हो जाते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि मेटल्स कुछ टाइम बाद अपनी शाइन लूज कर देता है क्योंकि मेटल करोड़ हो जाता है एटमोसफियर के अंदर ऑक्सीजन है हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस है एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड है कुछ एच है तो ये मॉइस्चर है ये सब मेटल के ऊपर अटैक करके मेटल के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं तो जिसको इसका मतलब हम कहते हैं मेटल करोड हो गई है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन अब आप सब जानते हैं कि जो करोजन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है बेसिकली ये ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स होता है ये केमिकल रिएक्शन होती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है इसमें मेटल का बहुत ज्यादा लॉस होता है पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और क्या होता है एग्जैक्टली exactly? इसको हम जानते हैं आप यहां है? डेफिनेशन देखिए मेटल इज अटैक्ट सब्सटेंस अराउंड इट सच मॉइस्चर ऑक्सीजन एसिड्स एटमोस्फियर के अंदर जो मॉइस्चर है ऑक्सीजन है एसिड्स है और कई बार कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ग्रेजुअली कन्वर्टेड इंटू इट्स Undesirable compounds. जैसे मैंने आपको बोला था कि मेटल्स जो है एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ एसिड्स है इनसे रियाक्ट करके उसके ऊपर अनडिजायरेबल कोटिंग बना देती है जो जिससे मेटल का बहुत ज्यादा लॉस बहुत ज्यादा लॉस होता है तो ये जो डिस्ट्रिक्शन ऑफ मेटल्स होती है इसे हम कहते हैं कबोशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं आयरन आयरन तो हमने सबने देखा है आयरन आर्टिकल जब भी मॉइस्चर में बाहर रख देते हैं तो आयरन जो आर्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म कर लेते हैं रस्ट जो है आप देखते हो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है रस्ट का फॉर्मूला होता है एफ ई टू ओ डॉट एक्स एच टू ओ हमने यहाँ पर एक्स एच टू ओ इसलिए लिखा है क्योंकि हर जगह मॉइस्चर का परसेंटेज अलग अलग होता है तो ये जो है, ये है, ये जो जो है 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 रिएक्शन केमिकल प्रोसेस है और यहाँ पर जो ब्राउन कलर की जो पाउडर के फॉर्म में रस्ट निकलने लगती है इसको हम थोड़ा डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड में आपको बताऊंगी सिल्वर आपने देखा होगा कि सिल्वर हम सब जानते हैं सिल्वर बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है लेकिन जब सिल्वर आर्टिकल को हम बाहर रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसमें एक ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है सिल्वर एक्चुअली एटमॉस्फेयर की सल्फर यानी एटमॉस्फेयर की H2S से रिएक्ट करके Ag2S सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है हम इसको रब करते हैं निकल जाती है लेकिन सिल्वर के जो ये जो कोटिंग होने की जो प्रोसेस है जैसे जो टर्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब रस्टिंग ऑफ सिल्वर को हम रस्टिंग नहीं कहते हम इसे कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी सिल्वर सल्फाइड की जो ब्लैक कलर की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है उसे हम कहते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉपर कॉपर में तो आप सब ने देखा होगा कि कॉपर को थोड़े टाइम तक हम ऐसे ही रख देते हैं तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है कॉपर जो है कॉपर एटमोसफियर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है पहले कॉपर ऑक्साइड बनाता है एटमोसफियर की ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों से रिएक्ट करके कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की बेसिक लेयर बनाता है आप सबको पता है जब आप अपने 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 पेरेंट्स को आपने अपने मदर को देखा होगा कि जो ब्लैक कलर के हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं कॉपर कलर के जो आर्टिकल्स होते हैं जब उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो हमेशा जनरली हम लेमन या टेमेरिन उसे रब कर देते हैं और आप देखिए थोड़ी टाइम बाद क्लीन हो जाते हैं क्योंकि ये जो है ये जो कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की जो लेयर ग्रीन लेयर डिपॉजिट हुई है ये बेस, बेसिक लेयर होती है और टेमेरिट एंड लेमन जो है वो एसिड होता है तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है तो ये हमारा आ, रस्टिंग ऑफ कॉपर हो गया लेकिन हम रस्टिंग ऑफ कॉपर को कहते हैं पेटिन जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है जैसे हमने सिल्वर में टर्निशिंग का आयरन में हम रस्टिंग कहते हैं यहाँ पर ये जो कोटिंग डिपॉजिट होती है इसे हम कहते हैं पेटिन लेकिन आप सबने देखा यहाँ पर मेटल कितनी लॉस हो रहा है यहाँ लॉस ऑफ मेटल्स हो रहा है और हम सब जाते हैं जानते हैं आयरन हो सिल्वर हो कॉपर हो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स होती है लेकिन यहाँ एक केस हम एल्यूमिनियम की देखते हैं एल्युमिनियम ऐसा नहीं होता जब एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स बाहर रख देते हैं एक्सपोज हो जाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव ले इसके अंदर मेटल का लॉस हो जाता है चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन करोजन आपको एक बेसिक तो समझ में आ गया है अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन हम सब जानते हैं जैसे मैं हम आपको पहले भी मैंने बताया था आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन है ये रस्ट बना लेता है आप यहाँ पर रिएक्शन देखिए आयरन आर्टिकल्स है हमने इसको बाहर एटमोसफियर में रखा है ये एटमोसफियर की ऑक्सीजन और एटमोसफियर के मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाता है यहां मैंने

हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड हम हाइड्रेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वॉटर मॉलिक्यूल इससे अटैच है आपको पता है एसिड बेसन सॉल्ट हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जिसके अंदर वॉटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उन्हें हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो आयरन थ्री क्योंकि ये क्रॉस वैलेंसी है ऑक्सीजन की वैलेंसी टू है और आयरन की थ्री है इसलिए हमने लिखा है हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड ये रस्ट का फॉर्मूला होता है और ये रस्ट का केमिकल नेम होता है एग्जाम में ये आता है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रस्ट कैसे बनता है अब ये जो रस्ट बनता है ये काफी बेसिकली ग्रेजुअल प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस है इसमें मेटल का बहुत ज्यादा लॉस होता है और हमारा भी इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेट आयरन जो है वो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है तो आप देखते हैं कि आयरन की जो रस्टिंग की प्रोसेस से बहुत डैमेज होता है हमारी इतनी सारी मशीनरीज जो मेन आयरन से बनती है वो खराब हो जाती है ब्रिजेस वो वीक हो जाते हैं रेलवे लाइन है रेलिंग है बॉडी ऑफ कार एंड शिप्स हैं, ये सब वीक हो जाते हैं और आयरन से पूरे के पूरे स्लोली स्लोली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसलिए हम गवर्नमेंट को इसमें हर साल बहुत मनी इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा होता है तो ये जो रस्टिंग होता है इससे हमें ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होता है तो बेटर है कि हम इसे प्रिवेंट ही कर ले तो इसका जो प्रिवेंशन की मेथड्स है वो हम देख लेते हैं इसकी फर्स्ट प्रिवेंशन मेथड है बाय यूजिंग पेंट हम जो आयरन आर्टिकल्स है इसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं ठीक कोटिंग लगा देते हैं पेंट की पेंट लगाने से क्या होता है कि जो अंदर आयरन आर्टिकल है उसका ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है और जो आयरन आर्टिकल्स है इंटैक्ट रहते हैं जो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर है अंदर तक पहुंच नहीं पाता प्रिवेंशन मेथड है पाताशन बाइजेशन हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड भी कहते हैं यानी हम यहाँ पर आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक को सैक्रिफाइस कर देते हैं हम आयरन के आर्टिकल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के थ्रू तो जिंक को सैक्रिफाइस कर दिया हमने आयरन के लिए पर आयरन जिंक के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है थर्ड हम देखते हैं बाय अलॉय फॉर्मेशन हम सब जानते हैं जब दो या दो से ज्यादा अधिक और मेटल्स जो है इनका होमोजिनस मिक्सचर जो है हम इसको मल्टीपल स्टेट में हम इसका होमोजिनस मिक्सचर बना लेते हैं तो जो हमारा आर्टिकल बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो एलॉय फॉर्मेशन के थ्रू भी हम रेस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं तो आपको ये करोजन पूरा क्लियर हो गया होगा आयरन को के करोजन को रेस्टिंग कहते हैं सिल्वर के अंदर जब कोटिंग लगता है तब हम उसे टर्निशिंग कहते हैं और कॉपर को हम पेटीला कहते हैं और जैसे मैंने आपको बोला था कि एल्यूमिनियम केस में अल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि ये अल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है बट अदरवाइज बाकी सारे जो रस्टिंग की मेथड है ये मेटल को खत्म कर देती है अब हम इसका करोजन आपको समझ में आ गए अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं रेंसिडिटी आपको दो ही सिलेबस के अंदर है जो रेडॉक्स के जो यूज हैं डेली लाइफ में करोजन एंड रेंसिडिटी रेंसिडिटी जो होता है आप सब ने देखा होगा कि हम जो फ्राइड फूड है जो फ्राइड फूड है उसको यदि हम थोड़े दिन के लिए बाहर रख देते हैं तो आप देखते हो उसमें से एक बैड स्मेल और एक अलग से बहुत खराब सी टेस्ट डेवलप हो जाती है क्योंकि हम कहते हैं वो फूड रेंसिड हो गया है उसके अंदर जो ऑयल या फैट्स है वो एटमोसफियर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी तो हम देख लेते हैं पहले कि जो रेंसिडिटी है

वो रीजन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो है एयर टाइट कंटेनर में ऑक्सीजन जा नहीं सकती और उसका ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है इसलिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं सेकेंड कीप रेफ्रिजरेटर ये कुकड फूड को हम जनरली हमेशा फ्रिज में रख देते हैं ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर में ऑक्सीडेशन होता नहीं है लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो लो टेम्परेचर है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन करते हैं तो जो हमारा जो कुक्ड फूड है इसकी प्रोसेस को स्लो डाउन हो जाती है तो फूड काफी टाइम तक वहां पर सेफ और अच्छे से रहता है आपने देखा होगा कि पिकल्स जो है वो हमेशा आपने देखा होगा कि पिकल्स की बॉटल में पूरा पूरा भर के ऑयल और स्पॉथ सॉल्ट होता है ये बेसिकली का प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं ये उसको एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देता और ऑयल और सॉल्ट उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं नेक्स्ट है, आपने सबने देखा होगा कि चिप्स मैन्युफैक्चरर जो हैं आपने लेस के आपने पोटैटो चिप्स के पैकेट देखे होंगे आपने देखा होगा उसमें पूरा ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसमें पूरा उसको नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं क्योंकि हम सबको पता है नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है तो नाइट्रोजन उसके अंदर होने से चिप्स बहुत टाइम तक सेफ रहते हैं और हम इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं लेकिन जैसे ही हम चिप्स का पैकेट ओपन करते हैं उसकी नाइट्रोजन निकल जाती है और चिप्स के चिप्स फ्राइड होते हैं तो वो एटमोसफियर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो काफी टाइम तक यदि हम चिप्स के पैकेट को बाहर ओपन रखते हैं तो चिप्स का पैकेट रेंसिड हो जाता है वो खराब हो जाता है लास्ट है कमर्शियली जो जितने भी आप मार्केट के अंदर फूड देखते हैं तो ये कमर्शियल इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेंट्स एग्जाम में आते हैं ये बी एंड बी एच टी बी एच ए का फुल फॉर्म है, है और बी एच डी का फुल इंपॉर्टेंट एंटी ऑक्सीडेंट है जो हमें फ्राइड फूड को हमारे प्रिवेंट कर लेते हैं तो आपको ये एनसीडिटी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर मैंने यहाँ पर हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यहाँ पर इसका एंड होता है मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इमिजिएटली नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे साथ केमिस्ट्री बहुत इजी और सिंपल मेथड में पढ़िए लास्ट में मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप क्विकली इसको नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए